बताया था 9667722062। आपके सामने है, मैंने इसीलिए सामने रख दिया है भाई, किसी को भ्रम हो कोई देखना चाहे, मैंने इसीलिए सामने रख दिया है। लगातार आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये एक पल के लिए भी बंद नहीं है, एक पल के लिए भी। लगातार इस फोन पर मिस कॉल आ रही है। आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि देश में किस तरह से ये मसला लोगों के दिलो दिमाग में छा चुका है, घर कर चुका है, और लोग क्या चाहते हैं, किस कदर बदलाव चाहते हैं, ईवीएम से छुटकारा चाहते हैं और बैलेट पेपर से ही चुनाव इस बार कराएंगे। ये जनता का फैसला है साथियों। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, सरकार जिस तरह से ट्विटर या और संस्थाओं को कह के ये ट्वीट हटवा रही है, वीडियो हटवा रही है, और इलेक्शन कमीशन जिस तरह की धमकी दे रहा है, इलेक्शन कमीशन को ये पता होनी चाहिए कि यहां सारे के सारे लोग ये कानून के जानकार लोग हैं, तो जनता को डराने की कोशिश ना करे। और जनता में किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, किसी को भी, नीचे से लेकर ऊपर तक, न केवल इलेक्शन कमीशन बल्कि सरकार भी इस जनता के किसी व्यक्ति का बाल भी बांका नहीं कर सकती। हम किसी व्यक्ति का बाल भी बांका होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। यह एहसास जनता को भी होना चाहिए और यह एहसास शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग जो सरकार को और इलेक्शन कमीशन को भी होना चाहिए। यह गीदड़ भभकी हम लोगों को देने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा अगर उसे अपनी विश्वसनीयता कायम करनी है, अगर उसका ईमान कहीं किसी कोने में बचा रह गया है जिस पर सरकार की काली छाया नहीं पड़ी है, तो अपने आप को संभाले और इस देश का संविधान और देश की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए। और इलेक्शन कमीशन इस देश में 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम को हटा के केवल और केवल बैलेट पेपर से करवाए और पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाए। लोकल पुलिस को वहां से बाहर रखा जाए, पोलिंग स्टेशन से, लोकल पुलिस को। और जैसे टीएन स्टेशन साहब और उनके बाद में लिंगदो साहब ने जो चुनाव कराया था कि जो भी सेंसिटिव इलाके थे, लाइट मशीन गन पोलिंग स्टेशन के ऊपर पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा के वहां पे सुरक्षा की गई थी। हर बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस का आदमी था, हर बूथ पर। और चुनाव केवल केवल इतनी सी बात नहीं है, चुनाव केवल और केवल पूरे देश में एक ही दिन में कराया जाए, एक ही दिन में। ऐसा नहीं है कि इस चुनाव को आप जो प्रक्रिया पहले करी कि 7 फेज में 8 फेज में 2 महीने 8 दिन तक जो चुनाव चला 2019 का, ये नहीं, क्योंकि बेईमानी के सारे तरीके हैं कि बेईमानी कैसे की जा सकती है। एक ही दिन में चुनाव कराए। भारत के पास में ना तो पैसे की कमी है, ना भारत के पास किसी भी तरह की संसाधन की कमी है, लोगों की कमी नहीं है, किसी भी तरह से चुनाव कराने के लिए किसी चीज की कमी नहीं है। एक दिन में कराया। दूसरा, जैसे ही चुनाव खत्म हो उसके तुरंत बाद 4-5 घंटे बाद ही काउंटिंग स्टार्ट की जाए, किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है, ताकि बेईमानी की जो भी रास्ते हो सकते हैं वो तमाम रास्ते बंद किए जाए। और हमने जो मैनिफेस्टो हम दे रहे हैं, जो ज्ञापन हम दे रहे हैं राष्ट्रपति को, उस ज्ञापन में बाकायदे लिखा है, जितने भी पोलिंग बूथ हो, पोलिंग स्टेशन हो, सबकी सीसीटीवी कैमरा लगा के पूरी वीडियोग्राफी कराई जाए, सीसीटीवी कैमरा लगा के पूरी तरह से, केवल उतना पोर्शन जहां वोट डलती है कि वो वोट किसी को ना दिखे क्योंकि गुप्त मतदान है, उसको, सिर्फ उसको बचा के, बाकी पूरे में कहीं कोई किसी तरह की गड़बड़ी हो सीसीटीवी कैमरे में कवर हो, यह भी इलेक्शन कमीशन को करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन कहेगा पैसे की कोई इस देश में कमी नहीं है। जब इस देश का प्रधानमंत्री पिछले 4 साल में अपने प्रचार के लिए 5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, 5 लाख करोड़ रुपए हर जगह जहां देखो देश में केवल उसी का फोटो चस्पा दिखता है, तो पैसे इसमें अगर 10-20 हजार करोड़ लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत का लोकतंत्र अगर 1 लाख करोड़ रुपए लगा के भी बच जाए तो भी बहुत सस्ता है, इसमें कहीं कोई किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो चुनाव पूरी तरह से ये करा जाए और उसके बाद जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वो वोटर लिस्ट की गड़बड़ी मैं सबूत सहित आपको दिखाऊंगा सारी चीजें 24 को, जो मैंने कहा है वोटर लिस्ट पूरी तरह से करेक्ट की जाए, क्योंकि यही महीना है जनवरी का। और जैसा हमारे साथी महमूद पराचा जी ने बताया कि फॉर्म 6 भर के जिन लोगों की वोटें कटी हुई हैं, ये मेरा मतदाताओं से, जो वोटर हैं, जनता है, उनसे अपील है, देखें वोटर लिस्ट में उनका नाम है या नहीं है, क्योंकि पीछे जो रिपोर्ट आई 2019 के चुनाव में 5 करोड़ मुस्लिम की और 6 करोड़ दलितों की वोट सफा कर दी गई थी, काट दी गई थी, 11 करोड़ वोट काटी गई थी, और ये बाकायदे रिकॉर्ड है। और ये सारी की सारी चीजें
उस पे मीडिया पे एनडीटीवी पे रवीश जी ने दिखाई और बाकायदा द वायर पे भी ये सारी चीजें दिखाई गई। इन चीजों का निश्चित रूप से ध्यान रखें। हालांकि ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की कि किसी भी की वोट ना कट जाए। 18 साल का और उससे ऊपर की उम्र का जो व्यक्ति है इस देश में उसकी वोट इलेक्टोरल रोल में होनी चाहिए यानी वोटर लिस्ट में होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए नीचे जो काम करते हैं वो कलेक्टर एडीएम और एसडीएम करते हैं, और एसडीएम एडीएम और कलेक्टर वो भी सावधान रहे, ये जनता है, बहुत दिन तक इनकी सारी तानाशाही सब कुछ बर्दाश्त किए, इस बार बर्दाश्त नहीं करेगी। किसी को भी जो जनता की पीठ में इस बार छुरा भोंकेगा, जो जनता के साथ गद्दारी करेगा, जनता उसको अच्छी तरह से देख रही है। ये सारी चीजें होनी हैं, ये सारी चीजें की जानी हैं। इन सब के लिए मैं फिर से एक बार जनता से कह के कि डरने की जरूरत नहीं है। लड़ाई जिस तरह से आप शुरू कर दी आपने लड़नी, इसको अंजाम तक पहुंचाना है। और अब दो बैल के बाद में काट दें जो भी इस पे मिस कॉल दें। हाँ, जैसे मैंने बताया था कि जो भी साथी देखिए इस नंबर पर जो मिस कॉल दे रहे हैं, जो हमने बताया 9667722062, इसको साथियों ऐसा करें कि बजने ना दें इसकी घंटी जब तक जा रही है, कोई उठाएगा नहीं, मिस कॉल का नंबर है, कोई बात थोड़ी ना करनी है। तो इसमें जैसे ही दो बार घंटी जाए बैल बज जाए, आप काट दीजिए, बस आपका जो है मत जो है रिकॉर्ड हो गया इसमें। इस तरह से जो साथी हैं वो इस तरह से करें, तभी सभी लोग कर पाएंगे और ये लगातार चलेगा। ये एक दो दिन के लिए नहीं है, जब तक ईवीएम उखाड़ कर फेंकनी दी जाएगी, ये आंदोलन जब तक चलेगा तब तक ये नंबर लगातार चलेगा। एक चीज और साथियों, जो ज्ञापन हम पूरी जनता को सबको देंगे, ये जितने भी मीडिया के साथी हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम एक लिंक देंगे आपको, उस लिंक को आप अपने इस हमारे जो वीडियोस हैं इनके साथ में डालिए, ताकि वो जो ज्ञापन है हमारा जो दिया जाना है वो हर किसी तक, पूरे देश में हर किसी तक पहुंच सके। साथियों पीडीएफ फॉर्म में है जो ज्ञापन है, 11 पेज का है, 10.5 पेज का है, और पीडीएफ फॉर्म में है, सारी चीजें उसमें लिखी हैं। आप जो लिंक देंगे लोग उसी से डाउनलोड करके उस पीडीएफ को बाहर निकाल के और उसका कॉपी करा के और ज्ञापन जो 17 तारीख से सिग्नेचर उस पे कराएंगे और 25 तारीख को ज्ञापन देना है, वो सब साथी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जी, जो हमारे जो साथी जो वीडियो जो है हमारी ईवीएम वाली हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दिया जाएगा, आपको वहां से सब कुछ मिल जाएगा। हम व्हाट्सएप पे भी लोगों को भेजने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी सच्चाई को मजबूती से उजागर करने वाले हमारे बीच में एक बहुत जुझारू साथी हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, आदरणीय श्री बलराज मलिक साहब हमारे बीच में हैं। आप देख रहे हैं, आप लोग लगातार उनको सुप्रीम कोर्ट में कवर करते हैं। मैं चाहूंगा कि वो भी इस बात यहाँ हमारे इसको प्रेस को इस समय संबोधित करें। इधर आओ सर, इधर आओ। साथियों, अभी तक जितने विचार ज़्यादातर देश में उठ रहे हैं, इवन पॉलिटिकल पार्टीज भी जो उठा रही हैं, वो रिक्वेस्टिंग मोड में हैं। ये शासन में होता रिक्वेस्टिंग मोड, लोकतंत्र में जनता हुक्म सुनाती है, रिक्वेस्टिंग मोड नहीं होता। सबसे पहले तो इस बात को समझना होगा। और ये सरकार किसी मोदी की नहीं है, किसी XYZ की नहीं है, ये देश की सरकार है, और देश की सरकार को देश के लोगों के हिसाब से चलना होता है। जो भी उसमें टांग अड़ाएगा उसका इलाज देश की जनता को करना होता है। देश के पास ये लगातार राइट है, न केवल इलेक्शन में, लगातार 5 साल ये राइट बरकरार रहता है। वोट दे के घर बैठ जाएं, चुपचाप देखते रहें बदमाशियों को, ऐसा लोकतंत्र में ना अपेक्षित है, ना हो सकता, ना होता है। रही बात इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन एक माध्यम है देश के लोगों के लिए, एक संस्था है जिसका काम है फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना। अगर वो इस बात की जिम्मेवारी नहीं देता, जब सरकार निरंकुश हो जाए, संसद बंधक बन जाए, यानी पार्लियामेंटेरियन एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से बोल ना पाए, और वो सारे और तीसरा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जब स्लो हो जाए, डेट पे डेट देने का काम करें, या सरकार के कहने पे तारीख लटकाते रहें और सिर पे इलेक्शन आ जाएं, और किसी संसद के भागे हुए MLAs को सरकार बना के दोबारा उसका इलाज करने की बजाय, उसका फैसला करने की बजाय, एक तरह से कॉपरेशन मिले सरकार को, ये सिस्टम देश की जनता को मंजूर नहीं है।
इसलिए ऐसे हालात में किया क्या जाए, कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है। संविधान ये कहता है जब हमारी तीनों स्तंभ, हमारी व्यवस्था के तीनों स्तंभ कमजोर हो जाएं या एक दूसरे को दबाएं या तीनों षड्यंत्र करके शामिल हो जाएं किसी एक ऐसे काम में जो जनता की आवाज़ के खिलाफ हो, तो लोग यानी लोग जनरल बॉडी देश की असली सरकार और असली पार्लियामेंट और असली जुडिशरी, इन तीन संस्थाओं के अलावा असली जो है वो देश की जनता है, 140 करोड़ भारत के लोग हैं। अगर वो जो चाहते हैं उनके अनुरूप कोई काम नहीं करती सरकार, पार्लियामेंट उनके अनुरूप कानून नहीं बनाती, संस्थाएं जो संवैधानिक संस्थाएं काम नहीं करती, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट भी हो, तो देश की जनता के पास वो सारे अख्तियार हमेशा रहते हैं, 24 घंटे पूरे हफ्ते 365 दिन और पूरे 5 साल। फिर लोग क्या करें, लोग न केवल विरोध करने के लिए सड़कों पर धक्के खाने के लिए हैं, देश के लोग अपने उन स्तंभों का घेराव कर सकती है। घेराव का मतलब क्या है, घेराव का मतलब ये नहीं है कि उनको भूखा मारना है, डराना है, इसलिए घेराव कर सकती है, अपनी बात समझाओ और हमारी समझो, हमारी बात को अहमियत दो, क्योंकि वी आर सुप्रीम, हम सुप्रीम हैं। तो लोग धरना प्रदर्शन देना लोगों का राइट है, उसी से तो जागरूक होते सब, एक दूसरे को कैसे बताएंगे, एक आदमी को 10 आदमी को बात पता है, पूरे 140 करोड़ को कैसे बताएगा। इसलिए वो जो साधन है सोशल मीडिया के भी, फेसबुक है चाहे एक्स है जिसको ट्वीट बोलते हैं, अगर ये लोग भी किसी सरकार को जिसको भारत सरकार का नाम उसके सामने झुकने का काम ना करें, तो देश की असली सरकार देश के 140 करोड़ लोग हैं और वो सोशल मीडिया के पक्ष में खड़े हैं, वो ट्विटर के साथ खड़े हैं, वो फेसबुक के साथ खड़े हैं, वो सोशल मीडिया के साथ खड़े हैं। ये कोई ना इस भारत सरकार की किसी भी ऐसे काम पर झुकने का कोई सवाल नहीं है। भारत सरकार बदलती रहती है, हम अपने नुमाइंदे बदलते रहते हैं, आज कोई और है कल कोई और आ जाएगा, ये देश की जनता वही है और ये देश की जनता लगातार जागरूक रह के अपने इस काम को कराएगी। अब देखिए, इवन इलेक्शन कमिश्नर जिनकी जिम्मेवारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, ये जिम्मेवारी है, ये रिक्वेस्टिंग नहीं, उनकी जिम्मेवारी है, अगर वो इस काम में फेल होते हैं तो हम उस इलेक्शन कमीशन का घेराव भी करेंगे और जरूरत पड़ी इस देश को संसद का घेराव भी होगा, सरकार का घेराव भी होगा, प्राइम मिनिस्टर के हाउस का घेराव भी होगा। अब प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो सकता है, मोदी हो कोई और भी हो, सीएम कोई भी हो सकता है, नामों में कुछ नहीं रखा, ये किसी के बाप की सरकार नहीं है, ये देश की जनता की सरकार है। मगर जब मुद्दों पे जो आदमी नहीं बोलता, जिसकी जिम्मेवारी हमने बोलने की दी है, वो आदमी अगर जिम्मेवारी के साथ बोलता नहीं, कितने सारे उदाहरण हैं, खिलाड़ियों का उदाहरण हो, मणिपुर का उदाहरण है, कोई और उदाहरण, कितने सारे। ये सबसे इम्पोर्टेंट देश का मसला है इलेक्शन, ईवीएम को हटाओ और बैलेट पेपर से इलेक्शन कराओ और देश को बचाओ, ये है मुद्दा। और मुद्दा क्या बनाया जा रहा, मुद्दा मंदिर बना, मुद्दा ढोंग बनाया जा रहा, ढोंग को देश का मुद्दा बनाया जा रहा है, देश की हकीकत देश के फ्यूचर को इग्नोर किया जा रहा है, जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है और जो कि सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से हो सकता है। क्या बदमाशी है ये, ब्लैक शीशा, अरे उसकी आँख खराब हो रही थी ईवीएम मशीन की, तुमने काला शीशा लगवा दिया, कोई किरणों से उसकी आंख खराब हो रही थी ईवीएम मशीन की, क्या बदमाशी है ये सरेआम चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, चोर का चेहरा काला पूरे देश को दिखाई दे रहा है कि चोर लोग हैं सत्ता में जो बैठे हैं, वो चोरी पे आमदा हैं और उसके जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो गुलाम बन चुकी हैं, वो उन चोरों का साथ देने के तैयार खड़ी हैं, इसलिए वो बातों का जवाब नहीं देती। बातों का जवाब सरकार का मुखिया नहीं देता, इलेक्शन कमीशन की काही मत है वो जवाब देगा। तो ऐसी नपुंसकता के दौरान जनता को स्वयं खड़ा होना होगा। और ये वीवीपैट, ये जो पॉलिटिकल पार्टियां जो बात कर रही है ना, ये भी रिक्वेस्टिंग मोड में कर रही हैं, ऐसे हो जाए, वो गिनती हो जाए, फलाना हो जाए, ये इलेक्शन कमीशन कौन होता है ये बताने वाला, 2 दिन लगेंगे, अरे चाहे 2 महीने लग जाओ, हमें ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहिए और उस जिस आदमी को वोट दें, जिस सरकार को लोग बनाना चाहें, अगर वही नहीं बनेगी तो इतना बड़ा धोखा देश के साथ कैसे बर्दाश्त करेंगे, ये बर्दाश्त से बाहर है। और पॉलिटिकल पार्टियों की बपौती नहीं है ये देश, ये और सुन ले सारी पॉलिटिकल पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियों को भी अपना वजूद अगर बचाना है तो देश के लोगों के इशारे के साथ काम करना होगा, चलना होगा। इसलिए मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपनली ये कहना चाहता हूँ, 16 तारीख का जो मार्च है पटियाला हाउस कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बहुत सारे सब वकील हिस्सा लेंगे और इसके साथ साथ एक और काम इस देश के वकील करेंगे, एडवोकेट्स फॉर चेंज एक प्रोग्राम होगा, आप लोगों को
डेट बता दी जाएगी। और दूसरा क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने इस देश के वकील प्ले कार्ड लेके प्रदर्शन करेंगे। क्या प्रदर्शन करेंगे कि आपकी ड्यूटी देश के लोगों के फंडामेंटल राइट को बचाने की है, सरकारों के इशारे पे काम करने की नहीं है, संविधान के साथ काम करने की है। अगर वो काम आपसे नहीं होता, जिन जजों से ये काम नहीं होता वो अपने इस्तीफा देकर अपने घर चले जाएं, तनख्वाह मिलती रहेगी। ये देश और बर्दाश्त नहीं कर सकता इसे ज़्यादा कि लोगों को ये लगे कि इस देश की कोर्टें भी सरकारी हो गई हैं। ये बर्दाश्त से बाहर है और ये देश की जनता सहन नहीं करेगी और देश के एडवोकेट भी इस बात को सहन नहीं करेंगे। धन्यवाद। कल हमने एक आग्रह किया था कि सारे हमारे जितने साथी हैं, जो मीडिया, असली मीडिया जो मैं कहता हूँ, एक जो हमने मिस्ड कॉल का एक नंबर कल जारी किया था, उसको जरूर थंबनेल में लगाएं और कम से कम टाइटल में लगाएं, ताकि लोग समझ सके कि आखिर किस नंबर पे मुझे मिस्ड कॉल देना है। नंबर फिर एक बार पहले रिपीट कर देता हूँ, 9966772062। आई रिपीट, 9667772062 कि ये नंबर है। जो साथी बैन ईवीएम आंदोलन के समर्थन में, ईवीएम के इस्तेमाल के विरोध में हैं, वो आए और इस पर मिस्ड कॉल दे। इससे हमें जनता का नब्ज भी पता लगाए कितने लोग ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करना चाहते हैं। काफ़ी कुछ हो चुका है, प्रशांत जी बोल चुके हैं, मोहम्मद साहब बोल चुके हैं, काफ़ी कुछ लोग बोल चुके हैं। मुझे सिर्फ एक दो बात कहनी है कि कल भी मैंने कहा था कि ये डू और डाई है। अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो समझिए कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने राइट्स मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, वो सारे खत्म हो जाएंगे। अन्ना का जो आंदोलन था वो काउंटर रेवोल्यूशन था और उस आंदोलन से जो निकला वो हम सब देख रहे हैं। इसलिए हमें सच्चे अर्थ में जो एक रेवोल्यूशन करना है, और रेवोल्यूशन कैसे, बैलेट पेपर से करना है, हमें वो रेवोल्यूशन करना है। जानबूझ के रूलिंग एलिट्स ने वैसे मशीन का इस्तेमाल किया ताकि इससे हेराफेरी की जा सके। ये समझिए एक तरह से आज़ादी, ईवीएम से आज़ादी की लड़ाई है और ये पूरे देश भर में जन आंदोलन के रूप में तब्दील होना है, पूरे देश भर में, मैं कह रहा हूँ रिपीट। और इसलिए कल जिन स्टेट्स का आपने ऑफिस बेरर घोषणा किया है, सारे साथियों से अपील है कि अपने अपने स्टेट हेडक्वार्टर में पहले अपने अपने स्टेट हेडक्वार्टर में कमिटी बनाएं और इसी तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस हर स्टेट हेडक्वार्टर में पहले हो, उसके बाद जिले वाइज कमिटी बनाएं। क्योंकि ये लड़ाई ऐसी है कि जब तक ये जन आंदोलन नहीं होगा, जब जन आंदोलन होगा पॉलिटिकल पार्टीज फिर अपना आने लगती है फिर। तो इसलिए सबसे पहले जो सिविल सोसाइटी हमारा है, जो हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हैं, इतने रिटायर्ड जजेस थे, प्रशांत जी थे, सब थे, कि इसलिए आप सबकी ही बड़ी भूमिका है कि बहुत तरीके से वीडियो लगाएं। और ख़ास तौर से हमारे जो बोलने का भी देख रहे हैं, ट्विटर से पोस्ट डिलीट हो जा रहा है, पता नहीं लग रहा है कैसे डिलीट हो रहा है। तो आखिर ये चुनाव आयोग और सरकार दोनों मिली हुई है, जब लोग चाहते हैं, कह रहे हैं कि भाई वीवीपैट दे दो, अपना देख के लगा कि गलती होगा तो हम अपना फाड़ लेंगे, इनवैलिड कर लेंगे, वो भी नहीं दे रही है, अपना मशीन दिखा रही है। इसका मतलब तिनका नहीं, पूरी दाल काली है, पूरी की पूरी दाल काली है, पूरा जो है ये मिला हुआ है। 16 तारीख को एडवोकेट्स मार्च है, 4 नंबर गेट पटियाला हाउस से, और इससे हम लोग चाहते हैं कि जुडिशरी भी थोड़ी सशक्त हो, अपनी भूमिका निभाए कि इतने इलेक्शन पिटीशन पड़े हुए हैं, 5 साल हो गए लेकिन उस पर सुनवाई नहीं है। 19 लाख ईवीएम का भी पता लगाया गायब है, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं है। कोर्ट भी इसको सुओ मोटो संज्ञान ले कि जब इतने लोग लगातार बोल रहे हैं, 3-3 यहाँ पे जजेस बैठे हुए थे, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, कोर्ट भी संज्ञान ले और उनके पास जो मैटर है, एक पत्रकार के लिए अगर 12 बजे रात में खुल सकता है कोर्ट, तो जो पूरी डेमोक्रेसी इज एट रिस्क, हाईजेक हो गया है डेमोक्रेसी एक तरीके से। हम लोग यहाँ कोई चुनाव लड़ने, कोई पार्टी को का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे, कोई यहाँ पार्टी का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे, बैलेट पेपर से चुनाव करवा लो, जिसकी भी सरकार बने हमें स्वीकार है, चाहे वो एनडीए जीते, इंडिया जीते, चाहे जो भी जीते वो स्वीकार है। लेकिन मुझे, अगर मैं वोटर हूँ तो मुझे दिखना चाहिए कि हमारा वोट कहाँ गया। जिस देश में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि खुद ही सरकार कर रही है कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं, जहाँ पे इलिटरेसी का रेट इतना हो, जहाँ के मोबाइल लिमिटेड हो, जहाँ पे लोग टेक फ्रेंडली नहीं है, लोग यहाँ जितने लोग बैठे हुए हम लोग खाली काम चलाओ जानते हैं, मोबाइल हैंडल करना, कंप्यूटर हैंडल करना, लेकिन टेक्निकल हम लोगों को भी कोई कहेगा कि ये जरा आप कैसे टेम्पर होता है आप बता दीजिए, हम नहीं बता सकते। ये सवाल ट्रस्ट का है, ये हमारा ट्रस्ट ईवीएम मशीन पर नहीं है। अगर चुनाव आयोग
के जो कमिश्नर हैं वो हिस्ट्री पढ़े होंगे, उनको बोले हैं केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए तो पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ा सकते हैं। इसीलिए जो जिसका एक्सपर्ट है वही बेहतर कर सकता है। जंतर मंतर पे डेमो हुआ था उस दिन सुप्रीम कोर्ट में, 16 तारीख को फिर डेमोस्ट्रेशन होगा ईवीएम का, बिल्कुल होगा, दिखाया जाए कैसे टेम्पर हो सकता है। मानव निर्मित कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, ये निश्चित है। और यहाँ तो भारत में तो लोगों का क्या, मशीन क्या कर ले, लोगों का दिमाग ही खराब है। जब दिमाग में ही बेईमानी बैठा हो, जब कॉलेज के प्रिंसिपल के दिमाग में बेईमानी बैठा हो, वाइस चांसलर के दिमाग में बेईमानी बैठा हो, मिनिस्टर के दिमाग में बेईमानी बैठा हो, तो मशीन क्या करना है। वो तो आदमी का दिमाग है बेईमान है। दो कानून जो है इस देश में लागू है आप लिख नहीं रहा है, लड़कियां वहां बैठी हुई हैं और तब भी कॉन्फिडेंस है कि हम 400 पार कर लेंगे। कहां से 400 पार कर लेंगे? कल कहां गए, मध्य प्रदेश का हमने वो दिखाया भी था कि एक बीजेपी का सपोर्टर रिजल्ट निकलने से 3 दिन पहले कह रहा है कि बीजेपी के कैंडिडेट को आएगा 93,000 और कांग्रेस के कैंडिडेट को आएगा 77,000। तो उसको क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है रात में सपना दिया था कि जो कह रहा है एग्जैक्ट वही आ रहा है। तो साथियों मिला जुला के अब इसमें से जितने लोग हम लोग बैठे हुए हैं, सब लोग सिविल सोसाइटी के लोग हैं, कोई पीछे नहीं हटेगा। समय कम है, चुनाव आने वाला है। आज जैसा कि सुरैया साहब ने बताया कि राहुल गांधी से इस मुद्दे पे मुलाकात भी हुई। पॉलिटिकल पार्टी अपना काम करें, वो अपने मैनिफेस्टो में भी डालें ये बात, और इसके लिए जो सिविल सोसाइटी का आंदोलन है उसको सपोर्ट भी करें। अगर जिनको सरकार उन्हें बनानी है, सरकार इसमें से किसी को नहीं बनानी। हम लोग तो ये वकील साहब हैं, मैं पढ़ाता हूँ, बाकी प्रोफेशनल्स यहाँ पे हैं। इसलिए सबसे अपील है, इवन पॉलिटिकल पार्टी से भी अपील है कि जो ईवीएम के खिलाफ हैं अपने कार्यकर्ताओं को बोले कि इस नंबर पे मिस्ड कॉल करें, और जो भी आंदोलन हो डेमोक्रेटिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उस आंदोलन में अपनी संख्या जरूर बढ़ाएं। शुक्रिया। थैंक यू।